हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते आप भी ठीक होंगे। लक्की की मुहर्रम की छुट्टी आ गई। तेरी भी छुट्टी है? अच्छा, आ दिन हो कह रही मेरी क्यों नहीं छुट्टी है। चाय बनाने आज इसकी छुट्टी है स्कूल की। आज तो नाश्ते में मजा आ जाएगा। आज ब्रेड है घी के साथ में, और लक्की जो घी में सेक दे कोई नहीं सेकता, करारे बना दे। करते ही है लक्की। क्या करी आज? तो मुझे बहुत थकावट सी हो रही है। हाँ, थकावट तो हो गया आज तुझे। आज लक्की की छुट्टी है, आज तुझे थकावट ही रहेगी। आज लक्की की छुट्टी की बात नहीं, मेरे हाथ में ना इधर अधूरा दुखन हो गया तो बहुत। आज आपका तन दूध मन्ना काटा, दुखन तेरे हाथ में हो रही। अच्छा, आप अपने कते काटा दूध बताइए तो खरा दुख है। आधी किलो दूध दे दिया दूध की। सुन ले मेरी बात, दूध जब एक देगी भैंस इतना तो देगी। जब भैंस लात मारी मैं क्या करूं? मैं तो दूध काट दूं। मैं 3 बजे तक उठ रही और 3 बजे तेन बताइए 3 घंटे हो लिए, 6:30 बज गए। अच्छा जी, और रहन दे। अब देखो नाश्ता वाइस आज लक्की घूमन है, आज उसकी छुट्टी है। मगर तो नाश्ता बना देते ना, आज इन्हें आगे पूजा करेगी। राम जी ने मारे अड़ोस पड़ोस में नीम खेड़ी पड़सोल ली, अमंडावली, हरसोली, खतोली, बड़ोत, मुजफ्फरनगर, हर जगह बारिश कर दी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बारिश कर रहा। यहाँ तो पता नहीं क्या एलर्जी है राम जी को। तो दोस्तों, ठाकुर जी का नाश्ता लग गया है। आज नाश्ता लक्की बना रही। और सबसे पहले मैंने ठाकुर जी का लगा दिया ब्रेड और चाय, दूध। ठाकुर जी को ब्रेड खुआ रहे? ठाकुर जी के ब्रेड और दूध देकर जा रही है। जो पसंद आओगे ना, दूध पसंद आओगे, दूध पी लेंगे, ब्रेड पसंद आओगे, ब्रेड खा लेंगे। चलो तो जी, रखिए। चलो जी, रखिए। पाना जी के जी, ठाकुर जी का नाश्ता और आदि कर रही है पूजा। उस पर माचिस नहीं जल रही। माचिस ना घी में कर दो, तुम घी के हाथ लगा। हैं? 5 रुपए का मंगा था मैंने, पूरा का पूरा। क्या बोल रहा है? थोड़ा सा मंडल और वो सारी माचिस बेकार होगी। इसी में लगा तुम सब बड़े। चल ठीक है, करो। और दो बच्चे ना हुए तो उनके भी शायद लगाती ना, श्वेता नहीं रही अपनी, और आपकी लगा दो मेरी। ठीक है, लिया तो चाय ले। लो, मैं अभी सूरज को लपटा देखा हूँ। आदि आदि बेटा, तू नहीं लेती? चल ले, आप ले लो। तो आदि लक्की का काम है, काम बनता अपना और भाड़ में जाए जनता। काम हमारा बनता, भाड़ में जाए जनता। तो चलो जी, नाश्ता कर लो। फिर नाश्ता करके आपको खेत में भी जाना। ये जी खेत में हम आए हैं ट्रैक्टर लेकर, तो इसमें लाए हैं गोबर और लेकर जाएंगे घास। तो दोस्तों, लक्की के पापा जी काट रहे हैं बाजरा। बड़ा बड़ा काट लो जी, छोटा क्यों काटो? ये सारा ही कटेगा। वो बड़ा बड़ा काट लो, पर रोड पे तो लाइव बड़ा हो जाएगा। नहीं, यो काट रहा बस, नु काट कम। ये छोटा सा ना काटो, ये वीरान हो जाएगा। जो नहीं काट रहा। हाँ, यो काटो बड़ा बड़ा, अभी वो हरा बड़ा। दो चेरी का ठड़ी काट। हाँ, मैं चेरी काटो, तुम बाजरा काट लो। मैं बाजरा में तेल पर कटवा देता। क्यों? पर इसमें वो मारे, जड़ मारे, जड़ मारे। अच्छा, फिर थोड़ा सा नुला लगे ना। और क्या, जब हम जिस काम पर टूट पड़ा, हम पीछे थोड़ी हटा। काम मैं से डरा, जो काम था डर जा तो काम उनके सिर पर चढ़ जा, और जो काम सिख काम के सिर पर चढ़ जा तो काम उनसे डर जा। तो इसलिए हम काम तो डरते नहीं, हम तो फटाफट, या नहीं जी, फटाफट ही करा बस काम को। अब देखो, घंटा दो घंटा लगा हुआ, 1 घंटा नुड़ा कर, 1 घंटे में काम, चेरी का 2 घंटे में सारा काम करेंगे। 7 बज गए, 8-9, ठीक है, 9 बजे तक हमारा काम कम्प्लीट हो लगा खेत का। पूनम ने काट दिया चेरी। मैंने तो अपना काम कर दिया है, भरोटी काट दिया है 2 ठड़ी। और लक्की के पापा जी जा जा डाल का आऊंगे। देखो 2 ठड़ी भरोटी काट दी। इतनी गर्मी हो रही है, अभी 8 ही बजे और 8 बजे गर्मी में इंसान हो रही है। भगवान इतनी देगा, बारिश बादल भी इतना आवागा लेगा, बिल्कुल ऐसा करगा जाना जल थल कर ही देगा। पर लाल से देगा और फिर चला जा। राम जी भी बेवफा हो रहा, क्या करे। दोस्तों, 8:30 बज गए हैं और घास हमारा हो गया है। देखो, पत्ती भी उतार ली हमने, एक घड़ी पत्ती भी उतार ली। तो बस अब जब मेरा तो घर चलने का नंबर आएगा, मैं घर से और निकाल कर थोड़ी सी करवाऊंगी नुड़ाई इनके साथ ना।
बड़े में से गोश्त पे इस तरीके से निकाल रहे हैं। एक होगा कट्टा, एक नहीं अभी तो, अभी अच्छा है। हाँ भले फिर रोज का गोश्त को काट देने है ना। कितने कटे नहीं दोस्त, ये काम तो हमारा हो गया है सारा। अभी देखो कभी नीचे गिर जा, ऐसे जगह को रख दे। मैं तो सर तो चले जा रही हूँ, खाओगे अंदर से वो कर दो, ध्यान रखे क्या खा जाइए कितनी दूर है। इसमें पता क्या है, इसमें अचार है, अचार मैं अचार काटूंगा। चमचा दिए चिमचा दे दो, खुल जा सिम सिम, आज होगा चार का मुहूर्त। आज ही हुआ और दो तीन बार काल लिया चार। इसमें क्या करे तुम, रोटी का चमचा छोड़ दिया इसमें, और रोटी का चमचा उठाऊंगे गैस पर चूल्हे पे, इसमें लगा देंगे, इसमें आटे का अंश चला जाएगा, अचार खराब जाएगा। कभी भी अचार का अंश, अचार में कभी आटे का अंश नहीं जाना चाहिए जब अचार खराब हो। दोस्तों में तो खाना बनाया है, देखो बड़ा गर्मी की वजह से इंडक्शन चूल्हा भी काल लिया, बरामदे में लेकर आई। हाँ जो आपकी बेटी ने बनाए रखी हम समझ गए, आपकी बेटी ने दाल बनाए रखी, जब एक नंबर की दाल बन रही। शाम के 7 बज गए हैं, लक्की निकाल रही है मावा, तो पापा जी एकादशी का व्रत, और पापा जी के लिए बनाएंगे हम पेड़ा। पापा जी के लिए लेके जा रही हूँ मैं दूध और पेड़ा, पापा जी एकादशी का व्रत, फिर बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि हफ्ते का आने लगा, तो पहले पापा को देगा वो दूध और पेड़ा, उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। तो दोस्तों लक्की ने बनाया है मैंगो शेक, तो पहले मैंगो शेक पिएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे आलू के पराठे। अरे 8:30 बजे कद को मिलेगा खाना? खाना तो मिलेगा अभी, तो बताओ पिट्ठी कैसी बड़ी? ठीक है। तो दोस्तों शाम को 8:30 बज चुके हैं और खाना हो गया हमारा रेडी, तो आज हमने बनाया आलू के पराठे और मक्खन के साथ में खाएंगे लक्की के पापा जी। बस तुम्हारी वाह दूध देने को राजी नहीं होती, पर फिर भी जुकर तुकर कर का काम चला ही रहे। मक्खन गेर का परोठों का मजा है कुछ और है। मेरी बेटी के हाथ में स्वाद भी बहुत है, कहने की बात नहीं। दोस्तों आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, आलू के परांठे खा लो।